हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम घर पर आसानी से मौजूद सामान से बहुत ही टेस्टी बिस्किट बनाएंगे जो बनाने में भी बहुत आसान है और इनको देखकर आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ये कितने टेस्टी बने होंगे। और इससे भी खास बात ये है कि हम ये बिस्किट ओवन के साथ साथ तवे पर भी बनाएंगे ताकि यदि ओवन नहीं है तब भी आप इन्हें इजीली बना सकें। तो वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले हम बिस्किट का डो तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक मिक्सिंग बोल लेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप घी। यहाँ पर मैंने घी का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोनों से ही ये बिस्किट आसानी से बन जाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अब यहाँ पर मैं ये जो कप ले रही हूँ उसको मेज़र करके सारे इन्ग्रीडियंट्स ले रही हूँ। आप कप ना लेकर कोई भी कटोरी या चाय का कप भी ले सकते हैं, बस उसी एक कटोरी या कप से आप सारे मेज़रमेंट्स ले लें। तो यहाँ पर घी को मैंने इस बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है और आप देख सकते हैं घी थोड़ा सॉफ्ट है, यानी ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा मेल्ट भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का अध जमा हुआ घी हमें चाहिए, इसी से जो हम आगे बैटर तैयार करेंगे वो अच्छे से बन पाएगा। तो यदि आपने फ्रिज के अंदर घी रख रखा है तो थोड़ी देर के लिए उसे रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें तो ये इस तरह का हो जाएगा। अब जिस कप से हमने घी को मापा है उसी कप से हम चीनी का माप ले लेंगे। और इसी कप से मैंने 1 कप चीनी ले ली है और चीनी को हम पीसकर इस्तेमाल करेंगे। तो चीनी को हम छान कर लेंगे ताकि यदि चीनी के कोई चंक्स इसमें रह गए हैं तो वो भी निकल जाएं। तो साबुत चीनी का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो वो पिघल नहीं पाएगी। इस तरह से चीनी को पीसकर ही इस्तेमाल करें। चीनी की मात्रा यहाँ पर मैंने 1 कप ली है। यदि आप कम मीठा पसंद करते हैं तो चीनी की मात्रा कम भी कर सकते हैं। तो चीनी को हम अच्छे से छान लेते हैं और पीसने के बाद भी ये कुछ चंक्स रह जाते हैं चीनी के, तो इन्हें हम हटा देते हैं। अब बारी आती है दोनों चीज़ों को अच्छे से फेंटने की। तो फेंटने के लिए आप चाहे तो विस्कर ले लें या फिर चम्मच से भी आसानी से इसे फेंट सकते हैं। अब जैसे जैसे हम इसे फेंटेंगे तो चीनी होगी वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी घी के अंदर और इसमें काफ़ी अच्छा एरेशन हो जाएगा। और अभी शुरुआत में ये आपको ऐसा दिखाई दे रहा है लेकिन जैसे जैसे फेंटेंगे ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा, एकदम सिल्की हो जाएगा। जिस तरह केक वगैरह की आप आइसिंग देखते होंगे उसी प्रकार की आइसिंग क्रीम इसकी बन जाएगी। यदि आप इस मिक्सचर को अच्छे से फेंट लेंगे तो आपको इसमें कोई भी बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा वगैरह डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो शुरुआत में जो घी का कलर होगा वो आपको अलग दिखाई देगा लेकिन जैसे जैसे आप इसे फेंटेंगे तो ये एकदम दूध जैसा सफ़ेद हो जाएगा। तो ये देखिए कितना क्रीमी सा हो गया है, एकदम क्रीम जैसा ये लग रहा है। तो इस तरह का मिक्सचर ही हमें चाहिए। तो ये अच्छे से हमने फेंट लिया है, मुझे 4 से 5 मिनट लगे हैं इसे फेंटने के अंदर। अब दोबारा हम छलनी ले लेंगे और अब इसमें डालेंगे हम 1 कप गेहूं का आटा। मैं यहाँ पर गेहूं का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें डालेंगे बेसन। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ टाटा संपन्न का फाइन बेसन जो 100% चना दाल से बना होता है। तो इन बिस्किट के अंदर हम आधा बेसन डालेंगे। तो ये 1 कप ही हम बेसन ले लेंगे। बेसन डालने से जो बिस्किट हैं वो और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएंगे लेकिन आप चाहें तो पूरा इन्हें आटे में भी बना सकते हैं या फिर जैसे 1.5 कप आप आटा ले रहे हैं तो आधा कप आप बेसन ले सकते हैं। तो दोनों चीज़ों को हम छलने के अंदर ही मिक्स करते जाएंगे और छानते जाएंगे। छानने से क्या होगा, ये अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगे और इसमें काफ़ी अच्छा एरेशन होगा तो जो डो बनेगा वो काफ़ी परफेक्ट बनेगा। बहुत बार होता है कि यदि गर्मी ज़्यादा पड़ रही हो तो ये जो मिक्सचर आप फेंट रहे हों घी और चीनी का तो वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है। तो यदि आपको ये ज़्यादा मेल्टेड लगे या डो बनाने के बाद डो भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए तो उसे आप थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज के अंदर रख दें। तो जब वो ठंडा हो जाएगा तो घी उसके अंदर जमने लगेगा और वो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो आटा और बेसन दोनों को हमने अच्छे से छानते हुए इसके अंदर मिला लिया है। अब फ्लेवर के लिए इसके अंदर 1 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर डाल देंगे
और साथ ही यहाँ पर मैं थोड़ा सा दूध ले रही हूँ। यदि हमें ज़रूरत पड़ी तो हम दूध लेंगे, अदरवाइज़ जो मैंने मेज़रमेंट बताया है यदि उस मेज़रमेंट से आप बनाएंगे तो आपको दूध की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि आप दूध ले रहे हैं तो दूध रूम टेम्परेचर पर लें। तो बस बहुत ही हल्के हाथों से हमें इसे मिक्स करना है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे तो ये एक ही जगह जुड़ जाएगा। इसे बहुत ज़्यादा गूंदना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यदि आप गूंद कर इसे ज़्यादा टाइट कर देंगे तो बिस्किट बहुत ज़्यादा फूलेंगे नहीं और फिर वो अच्छे से खस्ता नहीं हो पाएंगे। तो बस हल्के हाथों से इसे मिक्स करते जाएँ। तो आप देख सकते हैं जो डो हमने बनाया है वो एक जगह जुड़ने लगा है और बहुत ही हल्के हाथों से मैं इसे मिक्स करते जा रही हूँ। तो ये एक जगह इकट्ठा हो गया है। तो जब हम इसे ऐसे तोड़ें तो इसमें बिल्कुल भी ग्लूटेन नहीं होना चाहिए। देखिए कैसे ये आसानी से टूट रहा है। तो इस तरह से ही हमारे जो बिस्किट होंगे वो बेक होने के बाद अंदर से दिखाई देंगे। तो अब इस डो से हम बिस्किट बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो क्योंकि ये तवे पर भी बनाएंगे बिस्किट, तो मैंने यहाँ पर ये तवा ले लिया है। तवे के बजाय आप कोई भी प्लेट ले सकते हैं, तवे के ऊपर वो प्लेट रख सकते हैं या फिर डायरेक्ट तवे पर भी बना सकते हैं। अब तवे पर हम डायरेक्ट बिस्किट को नहीं रखेंगे, नहीं तो वो जल जाएंगे। तो इसे हम एक पार्चमेंट पेपर से कवर कर देंगे। तो आप बटर पेपर भी ले सकते हैं या फिर एल्यूमिनियम फॉइल भी ले सकते हैं। तो इसे हम थोड़े से घी के साथ ग्रीस कर लेते हैं ताकि जो बिस्किट हैं वो इजीली निकल जाएँ। तो ये तवा हमने बटर पेपर लगाकर तैयार कर लिया है और मैं इसे आपको माइक्रोवेव में भी बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने ये ट्रे ले ली है, ये मैंने बेकिंग ट्रे ली है। तो इस पर भी हम थोड़ा सा घी लगा लेते हैं। अब क्योंकि ये नॉनस्टिक है तो इसके ऊपर हमें बटर पेपर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस हम घी से इसे ग्रीस कर देंगे। तो ये दोनों तैयारी हमारी हो गई है। अब हम डो ले लेंगे। तो जितने साइज के आप बिस्किट बनाना चाहें उस साइज की बॉल्स तोड़कर इसे थोड़ा सा ऐसे गोल घुमाकर फिर हल्का सा फ्लैट कर दें और इस पर हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लगा देंगे तो ये देखने में अच्छे लगेंगे। आप यदि ड्राई फ्रूट्स नहीं लगाना चाहते हैं तो इन पर कोई भी डिज़ाइन भी दे सकते हैं। तो बस हल्के हल्के हाथों से इस तरह से आप बिस्किट बनाकर तैयार कर लें और इन बिस्किट को आप बनाकर इस तवे पर रखते जाएं। तो कुछ बिस्किट बनाकर मैंने तवे पर रख दिए हैं और बाकी डोसे हम बिस्किट बनाकर क्या करेंगे, बेकिंग ट्रे में रख देंगे। तो दोनों तरीके से मैं आपको बता दूंगी। तो यदि आपके पास ओवन है तो आप उसमें बनाएं, फिर तो आपको तवे पर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। और ओवन नहीं है तो कोई भी टेंशन नहीं, आप तवे पर भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो ये बचे हुए डोसे सारे बिस्किट मैंने बनाकर इस ट्रे में रख दिए हैं और देखिए इतने डोसे ही हमारे कितने सारे बिस्किट तैयार हो गए हैं। अब बारी आती है प्री हीटिंग की। तो जो तवा हमने बेकिंग के लिए लिया है उस तवे के नीचे हम ये पुराना तवा रख देंगे। यदि आप पुराना तवा नहीं ले रहे हैं, यदि आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करें कि तवा ले लें, फिर उसके ऊपर कोई स्टैंड लगाकर फिर कोई प्लेट वगैरह पर बिस्किट रखें, तो वो तरीका भी आप अपना सकते हैं। तो गैस का फ्लेम ऑन करके हम इस तवे को थोड़ा गर्म कर लेते हैं। तरफ हम माइक्रोवेव को भी प्रीहीट कर लेंगे। तो माइक्रोवेव में मैं ले रही हूँ ये कन्वेक्शन मोड का ऑप्शन और इसमें हम 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट्स के लिए इसे प्रीहीट कर लेंगे। तो कोई भी आप बेकिंग करें उसमें प्रीहीटिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो 10 मिनट के लिए इसे प्रीहीट कर लेते हैं। इधर हमारा तवा भी अच्छे से गर्म हो गया है, अच्छी हीट आने लगी है इस पर से। तो गैस का फ्लेम हम एकदम लो कर देंगे। तो तवे पर यदि आप बेकिंग कर रहे हैं तो कुछ ज़रूरी बातों का आप ज़रूर ख्याल रखें। तो गैस का फ्लेम लो रखें और अब इसके ऊपर रख दें तवा और इसे ऊपर से कवर कर दें। यदि आपके पास ऐसे लेट नहीं है तो आप कोई भी स्टील की थाली वगैरह लगा सकते हैं। अब इसे हम 10 मिनट के लिए पका लेंगे लो फ्लेम पर। 10 मिनट के बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इधर जो माइक्रोवेव है वो भी प्रीहीट हो चुका है। तो जो ट्रे हमने रखी थी तैयार करके बिस्किट की वो भी इसके अंदर रख देते हैं। अब दोबारा हम माइक्रोवेव का कन्वेक्शन मोड ऑन करेंगे और इसमें 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगाएंगे और यहाँ पर मैं टाइमिंग सेट कर रही हूँ 15 मिनट का। तो
तो नॉर्मली 15 मिनट में ये अच्छे से बन जाते हैं, लेकिन अलग अलग माइक्रोवेव और ओवन का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा अलग अलग होता है, तो आपको टाइम थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी लग सकता है। और इधर ये बिस्किट हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं, देखिए कैसे अच्छे से फूल गए हैं। 10 मिनट के बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ करके इन कुकीज़ को ऐसे ही कवर करके रख देंगे, क्योंकि अभी तवा गर्म है तो ये धीरे धीरे और पक जाएंगी। यदि आप गैस का फ्लेम ऑफ नहीं करते हैं और इसे पूरा ही ऐसे ही तवे पर पकाएंगे तो जो बिस्किट होंगे वो नीचे से जल जाएंगे, तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें जब भी आप तवे पर बेकिंग कर रहे हों। और इधर माइक्रोवेव में रखे हुए बिस्किट भी काफ़ी अच्छे से बेक हो चुके हैं, तो मुझे इन्हें बेक करने में 15 मिनट लगे हैं पूरे, तो इन्हें और बेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी अच्छे से बेक हो चुके हैं। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, और जितने ये सुंदर लग रहे हैं खाने में भी उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी होते हैं। बिस्किट थोड़े ठंडे हो गए हैं, तो ये ओवन वाले बिस्किट मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट बिस्किट बने हैं और काफ़ी अच्छे से फूल गए हैं, ना ही हमने इसमें कोई सोडा वगैरह इस्तेमाल किया है, फिर भी ये काफ़ी अच्छे बने हैं। और ये तवे वाले बिस्किट हैं, ये भी काफ़ी अच्छे से बेक हो चुके हैं। तो ओवन और तवे पर की गई बेकिंग में थोड़ा डिफरेंस ज़रूर आता है, लेकिन टेस्ट में आपको कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों का ही टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो आपको जैसे सहूलियत लगे उस प्रकार से आप ये बिस्किट बनाएं और इसका मज़ा उठाएं। और यदि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए।